इतना हो गया। अब चलते हैं हम डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। डाइजेशन स्टोमक में हो गया, अब चला गया इंटेस्टाइन में। हम पढ़ना है वेरियस मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर। जो आपका मस्कुलरिस लेयर होता है वहां पे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो अब मूवमेंट क्यों होते हैं, मूवमेंट का कोई वजह तो होगा, तो उसका फंक्शन तो होगा। इसलिए होता है कि इसका इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि काइम, जो हमारा चाइम है, चाइम मिक्स होता है किसके साथ, चाइम मिक्स होता है सिक्रीशन इन इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में जितने भी चीज़ों का सिक्रीशन है, जैसे कि बाइल, पैनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइन, ये सारे मिल जाते हैं काइम से विद द हेल्प ऑफ ये मूवमेंट। इस मूवमेंट के थ्रू काइम किससे मिलता है, बाइल से, पैनक्रेटिक जूस से, इंटेस्टाइनल जूस से, और ये सारे क्या है, ये सारे सिक्रीशन इन इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में इन इन चीज़ों का सिक्रीशन है, किन किन चीज़ों का, तो बाइल, पैनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो देखो पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस आपके इंटेस्टाइन में कैसे आता था, याद करो एक डायग्राम से, ये देखो। तो पैनक्रेटिक डक्ट से, तो यहाँ से पैनक्रेटिक जूस आएगा, और ये डियोडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, तो ये हैपेटो पैनक्रेटिक डक्ट यहाँ था, तो यही हैपेटो पैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल आएगा। यहाँ से बाइल आया, यहाँ से बाइल आ रहा है, और यहाँ से पैनक्रेटिक जूस आ रहा है। तो यही आपका यहाँ पे फिर से है कि पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू हैपेटो पैनक्रेटिक डक्ट इन डियोडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है। पैनक्रेटिक जूस में क्या क्या होते हैं, अब हम सब डिस्कस करते हैं एक एक करके, पैनक्रेटिक जूस के बारे में, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, बाइल के बारे में डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पैनक्रेटिक जूस के बारे में। तो पैनक्रेटिक जूस में बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, याद करना है आपको, प्लांट सी से, PLANT, प्लांट सी मतलब पी फॉर इनएक्टिव एंजाइम, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, लिपिड ब्रेकडाउन, एमाइलेजेस मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, न्यूक्लियेजेस। अब देखो काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, इतने सारे इनएक्टिव एंजाइम है, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है कि ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज के हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, और एंटेरोकाइनेज कहाँ से, कैसे सिक्रीट होता है, तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यू। तो ये जो इनएक्टिव एंजाइम थे, इसमें सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन फर्दर जितने भी इनएक्टिव एंजाइम है, जैसे लाइपेजर, ये सारे सबको ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा इन। तो आपको क्या मैंने बोला, पैनक्रेटिक जूस में बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, ये सारे उसमें से जो ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्दर ट्रिप्सिन विल एक्टिवेट अदर एंजाइम। अब बाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो बाइल में क्या क्या होता है, तो बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, नो एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है। और बाइल पिगमेंट में दो टाइप के पिगमेंट हैं, बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन। बाइल, बाइल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाइल क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज को, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बाइल का क्या काम है कि एक्टिवेट करना लाइपेजेस को, लाइपेजेस मतलब लिपिड से आपको फील आ रहा है, तो लाइपेजेस मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, तो लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल जो उसके होंगे उसको कन्वर्ट करेगा इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल में। तो इस पार्टिकुलर टर्म को यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब ब्रेकिंग ऑफ फैट इंटू स्मॉल मिसिल्स, स्मॉल पार्ट, फैट पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट करेगा, तो कौन करेगा, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गए, उसको विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फैट इंटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स इज नॉन एज इमल्सिफिकेशन, और विद द हेल्प ऑफ कौन से एंजाइम, लाइपेजेस, लाइपेजेस मतलब लिपिड, लिपिड ब्रेक डाउन करने मतलब फैट को ब्रेक डाउन करेगा। अब देखो इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पढ़ना है हमें, क्योंकि हमने बाइल के बारे में डिस्कस कर लिया, पैनक्रेटिक जूस के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हमें डिस्कस करना है इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो इंटेस्टाइनल जूस का नाम है सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस इज अ इंटेस्टाइनल जूस, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें गॉबलेट सेल सिक्रीशन होता है और ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोजा सिक्रीशन, मतलब गॉबलेट सेल का जो सिक्रीशन है वो प्लस म्यूकोसा का ब्रश बॉर्डर सेल
जो उस चीज को सिक्रीट करेगा, उस दोनों को मिलाना है, और वो सारे चीज किसमें प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ में नहीं आता लोगों को, तो आपको सिंपल है कि गॉबलेट सेल सिक्रीशन, और आपको पता है पिछले भी पढ़ा है कि गॉबलेट सेल किस चीज को सिक्रीट करता है, म्यूकस को। तो इसका मतलब इसमें म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस प्लस ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा सिक्रीशन। यहाँ पे देखो गॉबलेट सेल का सिक्रीशन तो दे दिया है कि म्यूकस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा का सिक्रीशन नहीं दिया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होंगे। तो गॉबलेट सेल का सिक्रीशन, सिक्रीशन वन प्लस सिक्रीशन टू, समझो। पहला सिक्रीशन क्या है, गॉबलेट सेल का सिक्रीशन, और दूसरा सिक्रीशन किसका है, तो ब्रश बॉर्डर सेल का, ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोजा, ये म्यूकोजा का ब्रश बॉर्डर, ये ध्यान रखना। यहाँ हो गया। अब देखो सक्कस इंटेरिकस, यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइसेज, सॉरी, जैसे कि माल्टेजेज आपका आ गया यहाँ पे, डाइपेप्टाइडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज, ये सारे एंजाइम का काम आएगा आगे। मैं इंपॉर्टेंट यहाँ टिक कर रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा। फ्रॉम पैनक्रियास म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, अब इसका भी फंक्शन है, दो फंक्शन बताया गया है, कि प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से बचाता है, और ये अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसके साथ ही अब एक और पॉइंट आ गया कि सब म्यूकोजल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, सब म्यूकोजल ग्लैंड यानी कि ब्रूनर्स ग्लैंड, ये ब्रूनर्स ग्लैंड आ गया, तो ये एक सब म्यूकोजल ग्लैंड है, मतलब पीछे जो आपने हमने पढ़ा था यहाँ पे। देखो आ गया ये यहां पे, सब म्यूकोजा लेयर, तो ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, और जिसको हम मैंने बताया ब्रूनर्स ग्लैंड, तो सब म्यूकोजा लेयर में ग्लैंड भी प्रेजेंट होते थे। कौन सा ग्लैंड, तो ब्रूनर्स ग्लैंड, और यही ब्रूनर्स ग्लैंड अब यहां पे डायरेक्ट एनसीईआरटी ने लिख दिया यहां पे सब म्यूकोजल ग्लैंड। इसलिए मैं बोलता हूं ना एनसीईआरटी को समझना, इसलिए ये कॉम्प्लिकेट खुद कर देते हैं। पीछे मैंने उन्होंने डायरेक्ट ग्लैंड बताया, और अब यहाँ पे उन्होंने ब्रूनस ग्लैंड का नाम लिख दिया, तो आपको यही ध्यान रखना है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया फिर से, सब म्यूकोसल लेयर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑल इन ड्यूओडेनम, कौन सा ग्लैंड था, ब्रूनस ग्लैंड, तो ये भी हेल्प करता है। तो ब्रूनस ग्लैंड कौन क्या है, ये एक ऐसा ग्लैंड ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट है, तो सब म्यूकोसल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो सब म्यूकोसल ग्लैंड आई ई ब्रूनस ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। अब देखो अब यहाँ कुछ रिएक्शन है, तो कैसे करते हैं, जो भी हमारा प्रोटीन्स पेप्टोन प्रोटीजेज है ये कन्वर्ट होता है डाइपेप्टाइड्स में विद द हेल्प ऑफ कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम से। पॉलीसेक्राइड स्टार्च, जाहिर सी बात है स्टार्च मैंने आपको बताया कि कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, एमाइलेज, किसमें चेंज हो जाएगा, ये डाइसेक्राइड, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, डाइसेक्राइड है। फर्दर अब आपका बाइल फैट है, फैट में मैंने क्या बताया था कौन सा एक्ट करेगा, लाइपेजेज, और लाइपेजेज प्रोड्यूस कौन करता था, बाइल, बाइल प्रोड्यूस करता था लाइपेजेस को, ये कन्वर्ट होगा डाइग्लिसराइड में, ये फर्दर होगा मोनोग्लिसराइड में, ये आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड पैक्ट करेगा न्यूक्लियेजेस, नाम पे ही है न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लिक एसिड करेगा तो ये पहले कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड फर्दर कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोसाइड में। अब देखो ये जो हमारा एंड प्रोडक्ट यहाँ बना इस पे, अब ये सारे एंड प्रोडक्ट में ये एंजाइम एक्ट करेंगे, कौन से एंजाइम, तो एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो यहीं पे सेंटेंस है, द एंजाइम इन सक्कस इंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट बना इस पे अब कौन से एंजाइम एक्ट करेंगे, तो ये सारे एंजाइम एक्ट करेंगे जो कि एंजाइम इन सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम थे, ये सारे अब इस एंड प्रोडक्ट पे एक्ट करेंगे टू फॉर्म अ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे जो कि आराम से ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो जाएगा। अब एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होता है, मतलब कि ये जो सारे जो फॉर्म बनेंगे ये आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड में ट्रांसफर होंगे। अभी आप जब एब्जॉर्प्शन करोगे, एब्जॉर्प्शन में आपको मैं बताऊंगा, आपको सिंपल समझना है जो आपका यहाँ एंड प्रोडक्ट बना, जैसे कि डाइसेक्राइड्स में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, देखो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मोनोग्लिसराइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सारे एंड प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे अब सब आ गया, अब सब में आपको एक्ट करवाना है कौन से एंजाइम से, ये सारे एंजाइम में, और आपको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनाना है, जैसे कि डाइपेप्टाइड्स में आपने कर दिया डाइपेप्टाइडेज, कहाँ है डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइडेज आपका माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे आपके क्या हो गए, डाइसेक्राइड्स हो गए, तो डाइसेक्राइड्स पे आप कौन सा कर दोगे, डाइसेक्राइडेज, जैसे कि माल्टेज,
माल्टोज पे करोगे माल्टेज, लैक्टोज पे लैक्टेज, सुक्रोज पे सुक्रेज, कन्वर्ट होगा ये अमाइनो एसिड में, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, एंड सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा कौन किस में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट होगा शुगर एंड बेस में, एंड डाई एंड मोनोसेक्राइड कन्वर्ट होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में विद द हेल्प ऑफ लाइपेसिस। तो ये सारे इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट थे, ये सारे एंजाइम थे किसके यहाँ पे, जो आपने सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस में पढ़ा है, और ये सारे जो आपके बने ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बन गए आपके। इतना क्लियर हो गया। अब देखो दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब ये जो फाइनल स्टेप हुआ डाइजेशन का, क्योंकि इसके बाद तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बन गया, मतलब अब एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये सारा कहाँ होता है, तो ये सारा इंटेस्टाइनल म्यूकोशा में होता है, मतलब इंटेस्टाइन को जब आपने टीएस किया, जो इनर मोस्ट म्यूकोजा है होगा वहां पे, वहां के एपिथेलियल सेल में होंगे सारे ये सारे स्टेप। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि दीज फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब सिंपल याद रखो कि ये जो सारे रिएक्शन फाइनल स्टेप हो रही है कहाँ पे हो रहे हैं, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में हो रहे हैं। अब यहीं से इंटेस्टाइनल, देखो यही समझ लो, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में हो रहा है, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में क्या बन गया आपका, ये सारे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बना, ये सब सिंपल एब्जॉर्बेबल, ये जो फॉर्म बना ये आपको इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से जब ब्लड में ट्रांसफर कर दोगे, तो इसी को हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोल दोगे आप, एब्जॉर्प्शन, आगे मैं फिर से बताऊंगा। तो यहां से आपको इतना समझना है। अब यहां पे देखो ये मैं बताता हूँ ये कैसे कैसे क्या हुआ। तो डियोडेनम में क्या हुआ, डियोडेनम, अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन खत्म हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ कि जितने भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे ये सारे का ब्रेक डाउन कहाँ पे हुआ, डियोडेनम में हुआ, इंटेस्टाइन, सब इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंस फॉर्म इलियम और जेजुनम में क्या होगा, जितने भी सिंपल सब्सटेंस बने उन सब का एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ पे, इलियम एंड जेजुनम में, और जितने भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब रह गए जो कि डाइजेस्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाए वो कहाँ चले जाएंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, नो डाइजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का एब्जॉर्ब करेगा, तो मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट करता है, जहाँ म्यूकस आ गया मतलब ये एडहेरिंग द वेस्ट, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहेंगे उनको एडहेयर करेंगे, उसको ल्यूब्रिकेट करेंगे ताकि वो आराम से आगे इजिली थ्रू एनस पास हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से पहले एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ आपको है, तो उतना आप यहाँ पे पढ़ोगे क्या क्या दिया है, जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्टिविटीज हुए, मतलब स्टोमैक से लेकर के आपका इंटेस्टाइनल एक्टिविटी, ये सबको कंट्रोल किसने किया, तो आपके न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों ने मिलकर कंट्रोल किया, तो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल है ये। स्लाइड स्मेल प्रेजेंस इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन, जाहिर सी बात है जैसे भी कोई भी हम अच्छा खाना देखते हैं या उसकी स्मेल होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, इसका मतलब पानी कैसे आता है, जो आपका सलाइवरी ग्लैंड था कहाँ पे, बकल कैविटी के बाहर, वो अपने सिक्रेशन को पोर करते हैं कहाँ पे, बकल कैविटी में, उसकी वजह से मुंह में आपके बोलते हुए नॉर्मल बात भी हम बोलते हैं मुंह में पानी आ जाना, वही चीज़ यहाँ बताया। अब देखो जितने भी गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन हुए ये स्टिमुलेट हुए बाय विद द हेल्प ऑफ न्यूरल सिग्नल से, किससे हुए, न्यूरल सिग्नल से, और मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बाय न्यूरल मैकेनिज्म, ये विद द हेल्प ऑफ किससे हुए, न्यूरल मैकेनिज्म। इसमें दो टाइप है, एक लोकल होता है एक सीएनएस होता है, बस इतना ही आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। अब देखो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा प्रोड्यूस लोकल हार्मोन, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या हुआ, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमैक, स्टोमैक का जब हमने टीएस किया और लास्ट वाला जो सबसे अंदर वाला लेयर, मतलब ये क्या हो गया, म्यूकोजा लेयर हो गया, और इंटेस्टाइन का भी हमने जब टीएस लिया और ये म्यूकोजा, तो बोल रहा है गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा ये क्या करते हैं, लोकल हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और लोकल हार्मोन को क्यों प्रोड्यूस किया, क्या फंक्शन हुआ, तो ये जो लोकल हार्मोन है ये डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा प्रोड्यूस लोकल हार्मोन विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ये ध्यान में रखना ये पॉइंट। अब हम चल जाते हैं एब्जॉर्प्शन में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं।